फ्रेंड्स, मेरा नाम गर्ल शाइन, आपका मेरे चैनल आराम से देखने में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने रूबिक्स क्यूब में एक पैटर्न बनाने वाले हैं, जिसका नाम क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए ओके और ये देखने में कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो पैटर्न बनाने वाले हैं उसका नाम है क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सीखा कि क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न अपने रूबिक्स क्यूब में कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे जल्दी देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनाने के लिए आपके क्यूब में क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बना रहना चाहिए। तो चलिए उसे जल्दी से हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न अपने क्यूब में बना लिया है और क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनाने के एल्गो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसे अपने क्यूब पे अप्लाई करना। सबसे पहले एल्गो क्या कह रही है कि फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करिए, फ्रंट लेयर क्लॉकवाइज टर्न करिए। उसके बाद जो ये डी वाली लेयर है इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये डी लेयर को आगे बढ़ाइए। फिर फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए, फ्रंट वाली लेयर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए। उसके बाद डी लेयर को 2 टाइम्स आगे बढ़ा दीजिए, 1 टाइम 2 टाइम। उसके बाद लेफ्ट लेयर को ऊपर करिए, लेफ्ट वाली लेयर इसे ऊपर करिए। फिर बी लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए, बी वाली लेयर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए। उसके बाद यू को आगे करिए, यू वाली लेयर से आगे करिए। फिर एल को नीचे करिए, एल वाली लेयर से नीचे करिए। फिर डी को पीछे करिए, डी वाली लेयर से पीछे करिए। फिर आर को ऊपर करिए, आर वाली लेयर ये इसे ऊपर करिए। फिर यू को उस तरफ आगे की तरफ टर्न करिए, तो यू को आगे की तरफ टर्न करिए। उसके बाद लेफ्ट को ऊपर करिए, लेफ्ट वाली लेयर ऊपर की तरफ टर्न करिए। फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए, फ्रंट लेयर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करिए। उसके बाद यू को फिर से पीछे करिए, यू वाली लेयर पीछे करिए इसे। उसके बाद लेफ्ट लेयर को नीचे करिए, लेफ्ट लेयर को नीचे करिए। उसके बाद यू को 2 टाइम्स टर्न करिए, 1 टाइम 2 टाइम। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन चुका है। इसमें क्या हुआ ना कि जो हमारे पास 3 × 3 का क्यूब, उसमें एक 2 × 2 का क्यूब हमारा बना हुआ था, उसमें एक 1 × 1 का क्यूब बन गया। देख लीजिए आप इसे अच्छे से, और इसके अपोजिट साइड भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए इसी पैटर्न को अपनी 4 × 4 के क्यूब बना के देखते हैं और देखते कैसा लगता है। तो हमने जिस एल्गोरिदम से इसमें बनाया था क्यूब इन अ क्यूब उससे ही नहीं बनेगा, ये किस एल्गोरिदम से बनाया? तो मैंने कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाई थी क्यूब इन अ क्यूब पे, तो उसी एल्गोरिदम से ये बनेगा क्यूब इन अ क्यूब, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको डबल लेयर्स घुमानी पड़ेगी। जैसे कि स्टार्ट कैसे होता था हमारे एफ से होता था, एफ को टर्न करते थे तो आप एफ को ऐसे टर्न करते थे, ठीक ना? लेकिन इस बार ने आपको इस बार एफ को डबल लेयर के साथ ही टर्न करना, ठीक? तो आपको नोटेशन में भी कुछ चेंज दिखेगा। नोटेशन में सबसे पहले आपको कैपिटल एफ, उसके बाद स्मॉल एफ। जब मैं एफ लूँगा तो आपको कैपिटल एफ, उसके बाद स्मॉल एफ दिखेगा, ठीक? चलिए, आपको एल्गोरिदम स्क्रीन पर दिख रही है, उसे अपने क्यूब पर अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले एफ को क्लॉकवाइज टर्न करिए, ये एफ वाली लेयर 2 लेयर्स को साथ में टर्न करिए, एफ लेयर को टर्न करिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टर्न करिए। फिर लेफ्ट लेयर को नीचे करिए, लेफ्ट वाली लेयर 2 लेयर्स के साथ में टर्न करिए नीचे। फिर एफ लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर एफ लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करिए। फिर यू लेयर को पीछे कर दीजिए, यू लेयर को 2 लेयर्स के साथ में पीछे कर दीजिए। उसके बाद आर को 2 लेयर्स के साथ में ऊपर करिए, आर वाली लेयर ये है तो इसे 2 लेयर्स के साथ ऊपर करिए। उसके बाद यू को आगे कर दीजिए, यू को आगे कर दीजिए 2 लेयर्स के साथ। फिर एफ को 2 टाइम्स टर्न करिए, 1 टाइम 2 टाइम। और उसके बाद लेफ्ट को 2 टाइम्स टर्न करिए, 1 टाइम 2 टाइम। और उसके बाद यू को पीछे कर दीजिए, यू को पीछे कर दीजिए। फिर लेफ्ट को ऊपर करिए, लेफ्ट को ऊपर कर दीजिए। फिर बी को क्लॉकवाइज टर्न करिए, ये बी वाली लेयर इसे क्लॉकवाइज टर्न करिए। फिर डी को आगे कर दीजिए, डी वाली लेयर से आगे कर दीजिए। फिर बी को एंटी क्लॉकवाइज, बी वाली लेयर एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेफ्ट लेयर को 2 टाइम्स टर्न करिए, 1 टाइम 2 टाइम। फिर यू को 1 टाइम आगे की तरफ टर्न करिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे ये क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन चुका है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास 4 × 4 के क्यूब में था, उसमें 3 × 3 का क्यूब बना हुआ था, उसमें 2 × 2 का क्यूब बन गया। और लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो कॉर्नर है ना, ये जैसे कि इसमें ये कॉर्नर टर्न हुआ है, देखिए इसमें जो कॉर्नर, तो इसमें भी होगा, तो इसमें एक और क्यूब बन सकता है। तो मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो लाऊंगा, तो आप इसका अपोजिट साइड भी देख लीजिए, ऐसे ही बना है। तो कैसा लगा ये पैटर्न कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजाना बिल्कुल भूलिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।